एक्टर और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने गानों से सभी को अपना दीवाना बना लेते हैं। दिलजीत के फैंस भारत ही नहीं विदेशों में भी हैं। यही वजह है कि उनके विदेशों में हो रहे म्यूजिक टूर का जलवा फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। दिलजीत दोसांझ ने इस समय कनाडा के टोरंटो शहर में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए गए हुए हैं। कनाडा के रोजर्स सेंटर में परफॉर्म कर रहे दिलजीत से मिलने के लिए खुद वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहुंच गए। दरअसल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दिलजीत के कॉन्सर्ट में सरप्राइज विजिट पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सिंगर के साथ लाइव मूवमेंट शेयर किए और फोटो क्लिक करवाए। प्रधानमंत्री ट्रूडो और दिलजीत दोसांझ दोनों ने इस मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर शेयर की हैं। ट्रूडो ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दिलजीत दोसांझ के शो से पहले उन्हें गुड लक कहने के लिए रॉजर्स सेंटर पहुंच गया। कनाडा एक महान देश है जहां पंजाब से आया एक लड़का इतिहास बन सकता है और स्टेडियम सोल्ड आउट कर सकता है। विविधता सिर्फ हमारी शक्ति ही नहीं है, ये हमारा सुपर पावर है। बता दें, दिलजीत ने कनाडा में इतिहास रच दिया है। वो रॉजर्स सेंटर में शो करने वाले पहले पंजाबी आर्टिस्ट बन गए हैं और इस स्टेडियम के टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। दिलजीत दोसांझ अपनी सिंगिंग की शुरुआत पंजाब से करते हुए राष्ट्रीय और फिर पूरे विश्व में छाते जा रहे हैं। वहीं ट्रूडो ने दिलजीत की टीम और क्रू से भी मुलाकात की। इस दौरान सभी पंजाब आ गए ओए बोलते नजर आए। अपने इंस्टाग्राम पर पीएम ट्रूडो ने मुलाकात की वीडियो शेयर किया और दिलजीत ने लिखा, डाइवर्सिटी कनाडा की ताकत है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इतिहास देखने आए हैं। रॉजर्स सेंटर में हमारा शो आज हाउसफुल है। वहीं जस्टिन ट्रूडो ने भी दिलजीत दोसांझ की तारीफ करते हुए पोस्ट लिखी है और दोसांझ की अचीवमेंट से इम्प्रेस हुए।